स्थानीय बस स्टैंड में स्थित रविशंकर एंड कंपनी पेट्रोल पंप में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब पेट्रोल डलवाने आए दो पहिया वाहन चालक की गाड़ी में आग लग गई। और यह आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दो से तीन वाहनों में यह आग फैल गई। आग लगता देख वहां पर पेट्रोल डलवाने आए सभी लोगों में भगदड़ मच गई। तो वहीं पेट्रोल पंप में काम कर रहे कर्मचारी भी आग बुझाने की जगह वहां से भाग निकले। यह देखते हुए यातायात पुलिस चौकी बस स्टैंड में ड्यूटी पर उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा तत्परता से फायर सेफ्टी यंत्र से आग बुझाने का प्रयास किया गया। 8 जून की रात्रि करीब 9 बजे स्थानीय बस स्टैंड स्थित रविशंकर एंड कंपनी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने आए एक वाहन चालक की गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने आए वाहन चालक व पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते आग ने दो से तीन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। किंतु बताया गया यह भी जा रहा है कि जब उक्त गाड़ी में आग लगी तो पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी पेट्रोल पंप छोड़कर भाग गए और कोई भी वहां पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग बिना किए ही निकल गए। तभी बस स्टैंड चौकी में पदस्थ एएसआई सब्बीर खान के द्वारा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया गया जिससे आग अधिक नहीं फैल पाई। फिर भी उनके पहुंचते तक तीन गाड़ियां जल चुकी थी जिसमें सबसे पहले MP50 MD9613 TVS XL गाड़ी में सबसे पहले आग लगना बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जब TVS XL के वाहन चालक के द्वारा पेट्रोल डलवाया जा रहा था तब पेट्रोल पंप में उपस्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालते समय पेट्रोल अधिक डाल दिया गया और पेट्रोल टंकी फुल होने के बाद पेट्रोल जमीन पर गिर गया। वह जैसे ही उनके द्वारा जाने के लिए गाड़ी का स्टार्ट की गई तभी वहां अचानक आग लग गई। यहां आग पीछे खड़े वाहन चालक के द्वारा पेट्रोल डालने के लिए अपनी पेट्रोल पंप की टंकी खुली रखने की वजह से उनकी गाड़ी में भी इस आग की चपेट में आ गई। दूसरी गाड़ी MP50 SA5507 मेस्टो गाड़ी और उसी से लगी MP50 MH4593 प्लेटिना आग की चपेट में आ गई। वहीं कुछ लोगों के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उनके द्वारा आग बुझाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए और न ही पेट्रोल पंप में पर्याप्त आग बुझाने के संसाधन रखे गए हैं जो कि बहुत ही गलत है। MP50 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, पहले वो TVS XL में आग लगी, उससे मेरी गाड़ी में आग लगी, गाड़ी सामने से पूरी जल गई है। MP50 4593 आग बुझाने का पहले तो सब भग गए, बहुत लेट आके आग बुझाए इन लोगों ने, शुरू में यदि बुझाते तो बच जाती गाड़ियाँ। नहीं, एक एक करके आग पकड़ी जबकि गाड़ियाँ, सबसे पहले TVS XL जली, उसके बाद मेरी वाली जली। साधन है लेकिन लोग भाग रहे हैं तुरंत में, उनको पहले आके रेस्क्यू करना चाहिए पेट्रोल पंप। वो सब भाग गए तुरंत में, थोड़े देर में वापिस आए। मेरा भाई है, ये पेट्रोल डलाने आया था, पेट्रोल डाला एक गाड़ी में, पहले डली गाड़ी, उसका पेट्रोल गिरा, फिर स्टार्ट हुई गाड़ी को वहाँ नाल लग गई, फिर ये सब भग गए। भगने के बाद यहाँ सीधा भी नहीं, पेट्रोल पंप वाले भी भग गए, हमने आग बुझाए आके, अगर आग हमने नहीं बुझाते तो अब तो ब्लास्ट हो जाती सर, ये अगर हम लोग नहीं अगर पहल करते थे पूरा पेट्रोल। ये सब्बीर भाई की तत्परता से बस स्टैंड बचा हुआ, आज मान के चलिए पब्लिक में जो आज आप हलचल देख रहे हैं इसके सबसे बड़े श्रेय सब्बीर भाई का है जो उन्होंने अपने सूझबूझ से तत्परता से अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए आज उन्होंने इस चीज को आग को बुझाया और बड़ी तत्परता दिखाई, इसलिए मैं पुलिस विभाग का इस मामले में बहुत बहुत आभारी हूँ। बस स्टैंड के लगभग कितनी गाड़ियाँ जली है इसमें? लगभग 3 से 4 बाइक जली है। क्या लगता है पेट्रोल पंप शिफ्ट करने की जरूरत है? 100% पेट्रोल पंप बाहर शिफ्ट होना चाहिए पब्लिक की सुविधा के लिए। जानकारी आज बस स्टैंड ड्यूटी थी, यहीं पर था मौजूद, अचानक आग पेट्रोल पंप में लगता हुआ देखा तो गाड़ियों में एकदम भपका टाइप का होने लगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ था मगर सब लोग वो छोड़ के भग गए थे डर के मारे। तो मैंने तत्परता से जो सामने अग्निशमन यंत्र बचे दिखे उसी को चालू करके तत्काल में आग बुझाया और वो जो बड़ा वाला बीच का आग गड्ढे में पेट्रोल पंप का है उसमें अगर आग लग जाती तो भयावह घटना होती, क्योंकि उसी के करीब में सब चीज़ें थी। और बड़ा खेत का विषय है कि पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को इनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उन्हें ये आता नहीं है चलाना, बड़ा खेत का विषय है। अगर आप नहीं होते तो क्या एक बड़ी घटना यहाँ पर होती? बहुत बड़ा हादसा होता तो सभी भाई ने बचाया है, देखा है काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और वो तो सब देख ही रहे थे। अब चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद था
स्थिति अपने नियंत्रण में थी तो कर लिया।